वो दिन से मैं वीडियो शूट बाहर शूट कर रहा था और मैंने फाइनली सोचा कि अंदर आ जाया जाए और एक वीडियो शूट किया जाए। तो फाइनली वन प्लस सेवन और सेवन प्रो के लिए ऑफिशियली एंड्रॉयड क्यू डेवलपर प्रीव्यू 4 रिलीज हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वन प्लस सेवन में डेवलपर प्रीव्यू 4 को कैसे इंस्टॉल करें और ये मेथड वर्क करेगी वन प्लस 6T, 6 और सेवन प्रो के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि Android Q Developer Preview 4 को कैसे इंस्टॉल करें OnePlus 7, 7 Pro और 660 में, और साथ ही साथ अगर आपको अगर ROM पसंद नहीं आती तो आप डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। मैं दोनों ही चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँ कि जो Developer Preview 4 रिलीज हुआ है वो काफ़ी स्टेबल है और आप इसे आपके डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हैं। हालांकि कुछ बग्स आपको देखने को मिल सकते हैं बट स्टिल ये अभी तक का बेस्ट डेवलपर प्रीव्यू है, तो आप इसे डेली ड्राइवर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इस डेवलपर प्रीव्यू 4 को कुछ दिनों तक यूज़ करने वाला हूँ अपने डेली ड्राइवर के तौर पे। तो बिना कोई बकवास करे चलिए चलते हैं इंस्टॉल करना देखते हैं। एंड तो सबसे पहले आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आपको ये फाइल्स डाउनलोड कर लेनी होगी। अगर आप उन पे 6 पे हो, 60 पे हो या फिर 7 या फिर 7 प्रो पे हो तो आप आपके डिवाइस के लिए फाइल्स डाउनलोड कर लीजिए। अगर फाइल्स की लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल नहीं होगी तो इन फ्यूचर में भी जब इसकी अपडेटेड लिंक्स आए तो मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। और इसी पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा अपग्रेड के लिए फाइल्स और डाउनग्रेड के लिए फाइल्स। अगर आप किसी भी पाईवेस रोम से डायरेक्टली एंड्रॉइड क्यू डेवलपर V4 पे जाना चाहते हो तो डायरेक्टली रोम डाउनलोड कीजिए और फ्रेश कर दीजिए। अगर आप पहले से किसी डेवलपर प्रीव्यू 2 या 3 पे हो तो तब भी आप इन फाइल्स को फ्लैश करके अपग्रेड कर सकते हो। बट ये फाइल्स को फ्लैश करने के पहले मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको ओटीए अपडेट मिल रहा तो ओटीए के थ्रू आप अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज आप इन फाइल को डाउनलोड कीजिए और फ्लैश कर दीजिए। और इसी बीच पर आपको देखने को मिल जाएगा डाउनग्रेड की फाइल्स भी इन केस अगर आपको रोम पसंद नहीं आता और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो। तो सबसे पहले इन फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिए और जहाँ पे भी आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है, फॉर एग्जांपल डाउनलोड के फोल्डर में, वहाँ से आपको कट या कॉपी करके आपको इन फाइल्स को इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट करना होगा। इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट करने के बाद ही आप लोकल अपग्रेड में इन फाइल्स को देख सकते हो, अदरवाइज ये फाइल डिटेक्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ जो डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है वन प्लस सेवन जो कि चल रहा है एंड्रॉयड वर्जन 9 एंड्रॉयड पाई पे और सबसे लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आप ऑलरेडी डेवलपर प्रीव्यू 2 या 3 पे हो तो भी ट्रैक काम करेगी, या फिर आप एंड्रॉयड पाई पे हो तो भी ट्रैक काम करेगी। तो सबसे पहले आपको इसमें जाना है सेटिंग्स मेन्यू में, फाइल्स कॉपी कर देने के बाद वहाँ पर आपको जाना है सिस्टम अपडेट में, और सिस्टम अपडेट में यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक सेटिंग्स का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, देन लोकल अपडेट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको आपकी जिप वाली फाइल सिलेक्ट करनी होगी जो आपने डाउनलोड की है, अपग्रेड वाली फाइल। ये फाइल फ्लैश होने में कुछ टाइम लेगा, आप 5-10 मिनट के लिए मोबाइल को छोड़ दीजिए और उसके बाद यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको, और रिबूट बटन पे क्लिक कर दीजिए। मोबाइल कुछ एक बार बूट हो सकता है एंड बूट होने के बाद ये एंड्रॉयड क्यू में बूट होगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आपके सभी इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लें इंक्लूडिंग योर इंटरनल स्टोरेज, क्योंकि आप आपका डेटा खो सकते हैं इस प्रोसेस में। अपग्रेड के टाइम पे मैंने तो कोई डेटा नहीं खोया बट मैं रिकमेंड करूँगा आप डेटा का बैकअप ले लें। मे बी वन प्लस 6 और फिर 7 प्रो वगैरह में ये डेटा लॉस हो सकता है आपका। तो डिवाइस बूट होने के बाद इस तरह आपको कुछ एंड्रॉयड क्यू डेवलपर प्रीव्यू 4 देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ बग्स है बट स्टिल आप इसे डेली ड्राइवर के थ्रू पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स मेन्यू में कुछ कॉम्पैक्ट चीज़ें देखने को मिलेगी, यहाँ पे और नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको कम देखने को मिलेंगे एंड्रॉयड पी के मुकाबले, और यहाँ पे एक ही सेटिंग्स में कुछ कुछ चीज़ें मर्ज करके रख दी गई है एंड बहुत सारे छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड्रॉयड वर्जन 10 आपका फ्लैश हो चुका है एंड आप अभी भी बट अगर आप यहाँ पे लोगो देखोगे एंड्रॉयड वर्जन 10 का तो यहाँ पे एंड्रॉयड पी का ही लोगो दिखा रहा है। मे बी इन फ्यूचर स्टेबल अपडेट के साथ ये लोगो भी आपको नया देखने को मिले। तो इस तरह का कुछ आपको होम स्क्रीन वगैरह देखने को मिलती है। इस बार कुछ आपको इसमें आइकन पैक का ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे वन प्लस की तरफ से, और आप खुद भी कस्टम आइकन पैक इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो वन प्लस के लॉन्चर के साथ। और सेटिंग्स में आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, यहाँ पे वाईफाई और इंटरनेट और सारी चीज़ें एक साथ कर दी गई है, ब्लूटूथ वगैरह NFC सारी चीज़ें एक साथ कर दी गई है एंड उसके बाद डिस्प्ले ऑप्शन सेम रखा है। उसके नीचे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, कस्टमाइजेशन में आपको स्टेटस बार, नेविगेशन स्टाइल और आपको एसेंट कलर वगैरह के रिलेटेड कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। और नेविगेशन में आपको इस बार
पोको F1 वाले जेस्चर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि वन प्लस में आपको इस बार देखने को मिलेंगे कस्टमाइजेशन के अंदर। अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो शूट करना भूल गया था, बट वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साउंड्स और सेटिंग्स वगैरह देखने को मिलता है यहाँ पे, बटन और जेस्चर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वही पुरानी चीज़ें रखी, बस सेटिंग्स के मेन्यूज चेंज कर दिए गए। यूटिलिटीज एंड सिक्योरिटी वगैरह चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पे आपको। फिंगरप्रिंट में मुझे कुछ बग महसूस हुआ, फिंगरप्रिंट प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, फेस अनलॉक काम कर रहा था, एंड बाकी एप्स एंड नोटिफिकेशन एंड अदर सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रखी, कोई चेंजेस ज़्यादातर देखने को नहीं मिले। बाकी आपको दूसरी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, डिजिटल वेलविंग, गूगल अकाउंट्स और बाकी सारी चीज़ें सेम रखी है। एंड इसके बाद हम बात करें कैमरा की, तो कैमरा का प्रॉपर वर्क कर रहा था, पोर्ट्रेट मोड और सारे मोड्स वगैरह काम कर रहे थे। कैमरा एप्लीकेशन में कोई बग देखने को नहीं मिला, बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा था। कॉलिंग वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं, वोल्टेज वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही थी। आप इसे डेली ड्राइवर के तौर पर यूज़ कर सकते हो, बस फिंगरप्रिंट में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। एंड छोटे मोटे दूसरे बग्स देखने को मिले, तो जिनकी वजह से आपके डिवाइस को डाउनग्रेड जरूर करना चाहोगे, तो डाउनग्रेड इस वीडियो में मैं आपको आगे बता दूंगा। बट उसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि फोर्स डार्क थीम कैसे इनेबल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना होगा आपके मोबाइल में। और डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के बाद यहाँ पे डार्क सर्च कीजिए और यहाँ पे ओवरराइड फोर्स डार्क ऑप्शन में जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इनेबल कर दीजिए। इससे आपको मोबाइल में सिस्टम वाइड डार्क थीम देखने को मिलेगी, एंड इससे आपको प्ले स्टोर में डार्क थीम देखने को मिल जाएगी, आपको इंस्टाग्राम में डार्क थीम देखने को मिल जाएगी। बट इंस्टाग्राम के डार्क थीम में मुझे एक बग देखने को मिला कि आपके जो ब्लैक एंड वाइट फोटोज होते हैं उसमें इसने कलर चेंज कर दिया, ब्लैक को अवॉइड कर दिया, वाइट को ब्लैक कर दिया, बट आपके जो दूसरे फोटोज़ में ब्लैक कलर होते हैं उनको इसने चेंज नहीं किया, बट ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ को इसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया। बाकी दूसरे कोई बग्स मुझे देखने को नहीं मिले। एंड देख सकते आप जैसे दूसरे फोटोज़ में कुछ भी ब्लैक्स है तो उनको चेंज नहीं किया, बट ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ को इसने चेंज कर दिया, तो ये एक चीज़ आपको देखने को मिल सकती है बग के तौर पे इस रोम के साथ। इसके अलावा आपको फेसबुक पे डार्क थीम देखने को मिल जाती है, आपको व्हाट्सएप पे डार्क थीम देखने को मिल जाएगा, और बाकी गूगल क्रोम वगैरह भी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में आपको डार्क थीम देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड वाली फाइल डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसे आपको इंटरनल स्टोरेज में लोकेट करना होगा जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया, फॉर एग्जांपल डाउनलोड के फोल्डर में। अगर डाउनलोड के फोल्डर में डाउनलोड किया तो उसको आपको मूव करना होगा आपके इंटरनल स्टोरेज में। इंटरनल स्टोरेज में आप उस फाइल को मूव कर लीजिए, डाउनलोड वाली फाइल को, एंड उसके बाद आपको उसे रीनेम करना होगा क्योंकि इस फाइल का नाम एंड होता है .jar एक्सटेंशन के साथ, जिसे आपको रिमूव करना होगा और इसका एक्सटेंशन आपको सेट करना होगा .zip। तो मेक श्योर आपने इस फाइल को रीनेम कर दिया हो, अदरवाइज ये फाइल लोकेट नहीं होगी आपके लोकल अपडेट में। तो इस फाइल को रीनेम कर देने के बाद आपको इसे इंटरनल स्टोरेज में छोड़ देना होगा और आप जाओ सेटिंग्स मेन्यू में। अब आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अभी आपको बता दूं कि मेरा डिवाइस अभी चल रहा है एंड्रॉयड वर्जन 10 पे, एंड्रॉयड क्यू पे भी डेवलपर प्रीव्यू 4 है जो, और इसे डाउनलोड कर सकते हो आप किसी भी एंड्रॉयड वर्जन पे हो, क्यू वगैरह किसी भी वर्जन पे। मैसेज बिल्कुल सेम रहेगी डाउनलोड की, तो आप किसी भी डेवलपर प्रीव्यू या फिर स्टेबल एंड्रॉयड क्यू पे हो तो डाउनलोड की प्रोसेस सेम रहेगी, फाइल्स डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे आपको सिस्टम में जाकर सिस्टम अपडेट पे जाना होगा, फिर ऊपर से सेटिंग्स मेन्यू पे क्लिक करके लोकल अपडेट पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज में रखी फुल डाउनलोड वाली फाइल आपको दिख जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर नहीं रिफ्लेक्ट हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि आपने फाइल का एक्सटेंशन चेंज नहीं किया है। इस फाइल को सिलेक्ट कीजिए और फ्रेश कर दीजिए, अगर पिन पूछे तो पिन डाल देना। इस प्रोसेस में आपका सारा डेटा वाइप हो जाएगा, तो मेक श्योर आपने आपका सारा इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लिया हो, इंटरनल स्टोरेज भी चला जाएगा। मोबाइल कुछ एक बार रिबूट होगा, रिबूट होने के बाद आपको आपका मोबाइल देखने को मिलेगा एंड्रॉयड पाई में। सिंपली सेटअप कर लीजिए और एंजॉय कीजिए। सो गाइस, आपने देखा कि आप एंड्रॉयड क्यू डेवलपर प्रीव्यू 4 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो वन प्लस 7 में। सेम प्रोसेस है कि बाकी डिवाइसेस के लिए भी, बस आपको फाइल्स डिफरेंट डाउनलोड करनी होगी। एंड ये अभी तक स्टेबल अपडेट है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं भी यूज़ करने वाला हूँ इसके कुछ दिनों तक। एंड और वन प्लस से रिलेटेड बाकी वीडियोज़ को भी देखने के लिए आप नीचे वन प्लस की प्ले लिस्ट पर जा सकते हो, देख सकते हो हमारे बाकी वीडियोज़ को। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना मुझे, अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो, क्योंकि वहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे फोटोज़ वगैरह मैं डालते रहता हूँ। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल ऑफ फ्यूचर वीडियोज़। एंड दिस इज़ अ बेस्ट साइन आउट, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।